गुरु ने 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। वो मेष से निकल करके वृषभ में प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही गुरु प्रवेश किए हैं मेष में, तो 3 मई को ये अस्त भी हो गए और ये अब 15 मई को वृषभ राशि में ही कृतिका के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये कृतिका के तीसरे चरण में जाएंगे, तो इनका जो नवांश है वो बदल जाएगा। चूंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि होती है, तो जो इसका पहला नवांश शुरू होता है वो मकर से शुरू होता है। तो गुरु जब प्रवेश किए थे वृषभ में, तो वो अपने शत्रु नवांश से चल रहे थे, जहां पर उनकी नीच की स्थिति होती है। तो एक तो उनको नवांशा भी जो है नीच का मिला था, ऊपर से ये अस्त भी हो गए, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। अब ये 15 मई को जैसे ही प्रवेश करेंगे कृतिका के तीसरे चरण में, तो ये कुंभ नवांश में चले जाएंगे। चूंकि गुरु कारक भी होते हैं, दूसरे भाव के, पांचवे भाव के, सातवें भाव के, नौवें भाव के और 11वें भाव के, तो एक तो गुरु का कुंभ नवांश में जाना मतलब कि कारक होकर के वो वृषभ को भी और कुंभ को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। और शनि की भी जो स्थिति है, शनि ने भी 12 मई को अपना जो मेष नवांश था वो कुंभ में चल रहे थे, मेष नवांश उनका नीच का था, वहां से निकल करके वो वृषभ नवांश में आ गए। तो ये जो शनि और गुरु हैं, दोनों नवांश के माध्यम से एक दूसरे को बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि शनि ने इनडायरेक्टली वृषभ को एक्टिवेट कर दिया है और गुरु ने नक्षत्रों के माध्यम से इनडायरेक्टली कुंभ को एक्टिवेट कर दिया है। तो अब ये जो दोनों ही बड़े बड़े प्लैनेट हैं, ये मिल करके वृषभ राशि को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तब इससे होगा क्या कि अभी 19 मई को आ जाएंगे शुक्र भी वृषभ में, तो यहाँ पर गुरु भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, सूर्य भी 14 तारीख को आ जाएंगे और बुध भी यहाँ पर पहुंचेंगे, 31 मई के आसपास आएंगे बुध। हाँ, 31 मई को बुध भी आ जाएंगे वृषभ में। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, वृषभ बहुत मजबूत हो रही, मतलब कि धन बहुत मजबूत हो रहा है, फैमिली, कुटुंब, फाइनेंस, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को गुरु का जो ये नक्षत्र पद परिवर्तन है उसके बारे में बताऊंगी, और इसमें मैं मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए ही बताऊंगी, क्योंकि जो पिछला मैंने इसका वीडियो बनाया था तो वो किसी कारण से कट हो गया, नहीं पूरा कंप्लीट हो पाया, तो 3 लोगों 3 राशियों का अलग से देना पड़ रहा है, नहीं तो उसी में एक साथ हो जाता है। और ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, आप सब व्यूवर्स को, और साथ में जो कि नए लोग जोड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। गुरु, शनि, ये सब बड़े बड़े ग्रह होते हैं, एक एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, एक राशि में भी जब ये एक नक्षत्रों से जाते हैं तो उसमें भी बहुत समय तक रहते हैं, क्योंकि एक जो नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 13 डिग्री 20 मिनट वापस से 4 चरणों में बढ़ता है, तो एक जो चरण उसके हो जाते हैं वो 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। तो अब गुरु वृषभ में जब प्रवेश किए थे, तो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक वो कृतिका के दूसरे चरण में थे, मकर नवांश में थे। अब ये 14 मई को 3 डिग्री 20 मिनट से जो 6 डिग्री 40 मिनट का समय है वृषभ राशि में, वो होता है कुंभ का नवांश, उसमें अभी गोचर करना शुरू करेंगे और यहाँ पर ये रहेंगे 29 मई तक, 29 मई तक इनको रहना है। तो जो पूरा मोटा मोटा समय है 14-15 दिन का रहेगा, तो इस 14-15 दिन में आप लोग देखिएगा कि इसमें भी बहुत लोगों को आर्थिक लाभ हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल गेन होते हैं ना वो एक ही 2-2 दिन में ही हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि 30 के 30 दिन किसी को आर्थिक फायदा होता है, वो तो कोई पर्टिकुलर टाइम होता है ना, टाइम जोन होता है, इसमें आदमी को पैसे मिल जाते हैं, चाहे वो बिजनेस है या नौकरी है, नौकरी में तो चलो सैलरी मिलती है, या जिन लोग अपना खुद का काम होता है, जो लोग फ्रीलांसर होते हैं, तो उन लोगों को खूब अच्छे से पैसे मिलेंगे। तो देखा जाए तो गुरु की स्थिति अब ठीक है और ये 6 जून को वापस से उदित हो जाएंगे, तब और भी अच्छा हो जाएगा। और फिर ये 29 मई को चले जाएंगे कर्क नवांश में, तो जब ये चंद्रमा के नवांश में जाएंगे तो वहां भी इनकी स्थिति कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी, क्योंकि अपने मित्र के नवांश पे आ जाएंगे। और अब गुरु अपना नवांश चेंज करके सबके लिए धन देंगे, मतलब कि एक तरफ फैमिली वाले भाव में बैठे हुए हैं, फैमिली में, कुटुंब में, वाणी में, और लाभ से कनेक्ट हो रहे हैं, और शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं वृषभ को, तो ये सारे प्लैनेट मिल करके गुरु शनि वो पैसे दे रहे हैं। अब इसे आप ध्यान दीजिएगा,
कि जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु शनि शुक्र सूर्य ये सारे ग्रह कहीं पे भी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा में आ रहे होंगे, तब आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। और आप अपने नेटल चार्ट को भी देख लीजिएगा कि वहां पर आपके कुंडली में प्लेनेट कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो अपना नेटल चार्ट होता है ना वहां पर जैसे ग्रह बैठे होते हैं जिस तरह के कॉम्बिनेशन बना करके, क्योंकि नौ ही ग्रह सभी की पत्रिका में होते हैं, यही किसी के अच्छे अच्छे हाउसेस में बैठे होते हैं, अच्छे कनेक्शन में, अच्छे नक्षत्रों में, तो उनकी लाइफ अच्छी जा रही होती है। यही नौ ग्रह किसी के चार्ट में बहुत अच्छे से नहीं प्लेस्ड हैं, बेड प्लेस्ड हैं, तो वो क्या होता है कि फिर उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाते ना, मतलब व्यक्ति की खुद की जो स्ट्रेंथ है वही तो काम करेगी ना, इसीलिए सबका अलग अलग जैसे समय चलता रहता है। तो इस वीडियो में मैं मकर से लेकर के मीन वालों के लिए ही बताऊंगी, छोटा वीडियो रहेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मकर राशि लगन वालों के लिए जो गुरु ग्रह है आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, अब ये 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे आपके वृषभ राशि में ही, कुंभ नमास में ही प्रवेश करेंगे, तो आपके धन भाव को सेकंड हाउस का एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पर मकर वालों के लिए जो पैसों से जुड़े हुए काम है वो सब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं और सॉरी शनि जो है धन भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु चूंकि कारक होता है सेकंड हाउस का और पंचम हाउस का, सप्तम का, नवम का और एकादश का, तो कारक होकर के गुरु आपके पंचम में बैठ करके ये कनेक्टिविटी बना रहा है आपके 11th हाउस से, 9th हाउस से और आपके लगन से, और यहाँ पर शनि आपका एक्टिवेट हो रहा है, कुंभ राशि शनि का नवांश हो जाता है, तो मकर वालों के लिए यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेन होने के भी बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों को पढ़ाई लिखाई है, संतान है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप का जो सुख होता है मतलब कि नए प्रेम संबंध स्टार्ट होना, या बच्चे बच्चे आपके हो जाए मतलब कि बच्चों से रिलेटेड कुछ इवेंट हो जाए, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, जो लोग बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको आप यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, या पढ़ाई लिखाई को कुछ लेकर के प्लानिंग थी, हायर स्टडीज को लेकर के प्लानिंग थी, वो सब आपके यहाँ पर होगी और आर्थिक रूप से आपको जरूर फायदा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का गुरु का कुंभ नवांश में जाना आपके लिए हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, आर्थिक दृष्टि हो या आपकी पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे हो, आपकी फैमिली से जुड़े हुए काम हो, ये सारा कुछ एक्टिवेटर में आ रहा है, क्योंकि शनि भी आपके सेकंड हाउस कुंभ राशि में बैठ करके उन्होंने वृषभ नवांश को एक्टिवेट कर दिया है, मतलब दोनों गुरु ने कुंभ को एक्टिवेट करके रखा हुआ है और शनि ने वृषभ को, तो दोनों ही बड़े ग्रह धन को और इसका कनेक्शन बना करके फाइनेंशियली आपको मदद कर देंगे। मकर के बाद फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि लगन वालों के लिए जो गुरु ग्रह है आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये कुंभ नवांश में आ गए हैं, शनि ऑलरेडी आपके लगन में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और वो वृषभ नवांश में आ गए हैं, मतलब कि शनि ने आपके चौथे भाव को एक्टिवेट कर दिया है और गुरु ने आपके लगन को एक्टिवेट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक तो आपके जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है वो सब यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, मकान है, गाड़ी, व्हीकल, या जमीन जायदाद लेना है, एग्रीकल्चरल लैंड लेना है, ये सब आपके हो जाएंगे, सर्विस रिलेटेड कुछ आपके काम हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपको कुछ नेम फेम प्रसिद्धि मिल जाए। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जो लोग हो सकता है कि इलेक्शन वगैरह में लगे होंगे, चुनाव वगैरह लड़े होंगे, तो यहाँ पर कुछ आपके पक्ष में परिणाम आ जाए, मतलब कि आप चुनाव जीत जाए, कुछ आपको मिनिस्ट्री मिल जाए, कुछ अच्छा आपके साथ में हो जाए, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरा ये है कि देखिए चूंकि लगन में आपके बैठा हुआ है शनि अभी कुंभ राशि में और उसने आपके चतुर्थ भाव को एक्टिवेट कर दिया, तो मतलब कि शनि भी आपको सारे सुख दे रहे हैं और गुरु ने आपके लगन को एक्टिवेट किया है, तो गुरु आपके लिए क्या है, गुरु आपके लिए धन है और लाभ है, आपके सेकंड और 11th का लॉर्ड है, अब गुरु आपको धन दिलवाएगा, मान सम्मान दिलवाएगा, यश प्रतिष्ठा दिलवाएगा, प्रमोशन दिलवाएगा, क्योंकि 11वां भाव सरकार को दिखाता है, प्रमोशन को दिखाता है, आपके प्रोफेशन के लाभ को दिखाता है, तो जुपिटर ये सब चीजें आपको दिलवाएंगे और शनि आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुरु का कुंभ नवांश में जाना आपके सारे कार्यों को पूरा करा रहा है, फैमिली रिलेटेड आपके सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम हो सकते हैं, दशाएं वगैरह आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपकी दशा चल रही है, क्योंकि तो दशा ही देखिए मेन होती है, ये ट्रांजिट का इफेक्ट है कि यहाँ पर अच्छा आ रहा है। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए मीन राशि लगन वालों के लिए जो गुरु ग्रह है आपके थर्ड हाउस में चल रहा है वृषभ राशि में और शनि जो है आपके 12वें भाव में चल रहा है,
शनि ने वृषभ को एक्टिवेट कर दिया है 12 मई से, क्योंकि शनि जो है वृषभ नमाज में गोचर करना शुरू कर दिए हैं 12 मई से, और गुरु जो है 14 मई से शनि के कुंभ नमाश में प्रवेश कर दिए। अब आप लोग के साथ में क्या होगा, चूंकि मीन वालों के लिए जो शनि ग्रह होता है वो आपके 11th और 12th का लॉर्ड होता है, मतलब कि लाभ और व्यय का मालिक है। अब यहाँ पर गुरु चूंकि आपके प्रोफेशन के मालिक है और लगन के मालिक है, तो आपके यहाँ पर कुछ पैसे खर्च होंगे। पैसे जो आपके खर्च होंगे वो आपके प्रोफेशन के ऊपर, यात्राओं के ऊपर, जो भी आपके सेल्स है, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया है, आप किसी भी तरह का फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ करके काम करते हैं, गेम्स के फील्ड में जुड़े हुए हैं, आर्ट है, ग्लैमर है, ये सारे कार्य अगर आपके हैं तो यहाँ पर आपके पैसों का अच्छे से खर्च होना शुरू होगा, और वो जो खर्च है अच्छे कार्यों पे जाएगा, मतलब कि उसका आपको आगे चल करके रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि गुरु ने आपके वै भाव को एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपने जॉब को लेकर के यात्राएं भी कर सकते हैं, बाहर आप निवेश भी कर सकते हैं, तो जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एमएनसीज में काम कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। आपको जॉब को लेकर के कुछ चेंजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, या काफी फ्रिक्वेंट ट्रेवल हो सकती है, बाहर जाने के लिए आपके अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसा कुछ आपके लिए रहेगा। गुरु चूंकि आपके शुभ ग्रह हैं, लग्नेश हैं और आपके 10th के लॉर्ड होते हैं, लेकिन जो जहां पर वो बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शुक्र भी आ जाएगा 19 तारीख को, 19 मई को, सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 14 तारीख को, जो कि आपके छठवें भाव के मालिक हैं। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आप लोगों के लिए, ये जो लोग मीडिया आर्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं या भाई बहन हैं या फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, स्पेशली जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों के साथ का जो आपका रिश्ता होता है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहां पे कुछ उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च हो जाए, ऐसे भी संभावनाएं दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से जो गुरु का कृतिका के तीसरे चरण में जाना है, जैसे ही ये कुंभ नमाश को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव मकर, कुंभ और मीन के ऊपर आया है, मैंने आपको बताया इस वीडियो में, आप उसको समझ पा रहे होंगे, अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए बड़े ग्रह होते हैं ना, तो इनका राशि परिवर्तन होना, इनका नक्षत्र परिवर्तन होना, नक्षत्र में भी जब ये पदों को परिवर्तित करते हैं उससे भी इनकी नवांश चेंज हो जाती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़े ग्रह है ना, तो ये किसी भी एक नक्षत्र के पद में भी, जैसे जुपिटर जैसा प्लेनेट है तो मिनिमम ये 15 से 20 दिन रह लेता है। अभी तो गुरु काफी फास्ट चल रहे हैं, तेजी से भी चलेंगे ये, तो बहुत जल्दी जल्दी ये नक्षत्रों को भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि इनको एक राशि में 12-13 महीने रहना होता है, तो उसी में ये आगे भी बढ़ेंगे, फिर ये वक्री होंगे और ये सारा इनका घटनाक्रम चलता रहेगा, इसलिए कई बार प्लेनेट बहुत तेजी से चलता है। तो गुरु कारक हो करके वृषभ में कुंभ को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब लाभ को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए ये थोड़े बहुत लाभ की संभावनाएं लेकर के आएंगे। आर्थिक लाभ है, लाभ में हर तरह के लाभ आ जाते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल लाभ हो, या आपके प्रमोशन का लाभ हो, या सोसाइटी में आपको कोई अलग पहचान मिल जाए, ये भी तो एक लाभ है ना, ये भी तो एक गेंस की तरह ही लिया जाएगा, मतलब आपको मान सम्मान मिल जाए, तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, प्रमोशन हो जाए, या पैसों का लाभ हो जाए, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ये भी लाभ है। और ये आपके फैमिली में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे कि शुभ काम हो रहे हैं, विवाह हो रहा, बच्चे हो रहे हैं, तो ये सब गेंस का ही फॉर्म है, मतलब कि जो लाभ देता है प्लेनेट, चाहे गुरु हो, शनि हो, कोई भी, केवल वो पैसों से ही जोड़ के नहीं देखा जाता है, लाभ आपको किसी भी रूप में हो जाए तो वो लाभ ही कहा जाएगा। तो अब गुरु का कुंभ नमाश में प्रवेश करना बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि इसके पहले ये नीच नमाश मकर में चल रहे थे, जहाँ गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो बेचारे जैसे ही प्रवेश किए हैं 1 मई को, तो 3 कोस तो हो गए, नवांशा भी इनको मिल गया, नीचे वाला तो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। अभी 14 मई के बाद जो है अच्छा करेंगे, बढ़िया रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और शुक्र के आने से गुरु को भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो जितने भी मकर वाले हैं, कुंभ वाले हैं, अब आप लोगों के लिए तो शनि ज्यादा योग कारक होता है ना, और गुरु शनि के नवांश में जा रहे हैं, तो आप शनि को स्ट्रेंथ दे दीजिएगा, शनि के मंत्रों का जप करके, ओम शम शनचराय नमः, और भी जो शनि के स्त्रोत हैं, ये सब चीजें पढ़ के आप शनि को स्ट्रॉन्ग करिए। और मीन वाले जो हैं, आपके लिए गुरु योग कारक होता है, तो आप शनि को मत स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि शनि ऑलरेडी आपके लाभ के मालिक हैं और व्यय के मालिक हैं, व्यय भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप अपने गुरु को ताकत दे दीजिएगा। गुरु को ताकत देंगे तो गुरु चूंकि आपके 10th के लॉर्ड हैं और लगन के लॉर्ड हैं, तो उन दोनों हाउसेस को वो अच्छे स्ट्रेंथ देंगे, और बैठे हुए हैं थर्ड में,
तो तृतीय भाव की चीजों को निकालेंगे और दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर, भाग्य पर और एकादश पर। तो जब ग्रह मजबूत होगा तो जिन भावों का मालिक है उसके भी रिजल्ट देगा, जहां बैठा है उसके भी, जहां दृष्टि डाल रहा है वहां भी। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेक्निकली आप प्लेनेट के प्रभाव को समझा करिए कि इसमें क्या किया जाए कि अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। देखिए पूरी तरीके से डेस्टिनी कभी नहीं चेंज होती है, लेकिन जब आप उपाय करते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को। साथ में जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। और मैं आप लोगों के लिए फिर कोई वीडियो लेकर जाऊंगी, तब तक के लिए शिवाय।